सरकार क्यों नहीं उठा रही है 60, 65 या 40, 45 पर कोई कदम? क्या हुआ आज बीएड की याचिका की सुनवाई पर? कब तक ये भर्ती पूरी होगी? क्या होगा इस भर्ती का आगे, रास्ता साफ या नहीं? ये सारी डिटेल्स पर आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल योर न्यू डायरेक्शन में। और साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए, सबसे पहले फटाफट वीडियो को लाइक करिए। आप वीडियो को लाइक करना बाद में भूल जाते हैं, वीडियो को पहले लाइक करिए क्योंकि यहाँ पर अच्छी अपडेट आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक पहले कर दीजिए। और अगर आप आए हुए हैं चैनल पर नए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। अब बात करते हैं कि बीएड की जो लखनऊ खंडपीठ में याचिका एक दायर है, पिछले मार्च महीने में दो याचिकाएं लगी, दो बार सुनवाई के लिए लिस्टेड हुआ, लेकिन आपको जैसा कि पता है चैनल के माध्यम से भी अपडेट दी गई कि उसकी सुनवाई नहीं हो पाई। तो उसके बाद वह केस लिस्टेड हुआ आज के लिए, यानी कि 2 अप्रैल के लिए, 2 अप्रैल को आज लिस्टेड हुआ। लेकिन साथियों उसका नंबर आने के बावजूद भी आज उसकी फिर से नहीं सुनवाई हुई, फिर से उसका नंबर क्लियर नहीं हुआ और उससे संबंधित किसी प्रकार का कोई भी ऑर्डर भी साइट पर अपलोड आज नहीं हुआ। अब अगली डेट इसमें क्या लगेगी, ये जैसे ही क्लियर होगा आपको आगे वीडियो के माध्यम से अपडेट दी जाएगी। अब बात करते हैं कि क्या ये भर्ती जो लखनऊ खंडपीठ का निर्णय आया है 40-45 पर पूरी होगी, कि जो प्रभास सर द्वारा कहा गया कि नहीं वो 40-45 पर भर्ती को नहीं पूरा करेंगे और जाएंगे आगे बेंच में, डबल बेंच में इस केस को लेके। तो साथियों अभी तक उन्होंने जो ये अपडेट दी है केवल और केवल लखनऊ के जो या इलाहाबाद के कुछ न्यूज़पेपर्स में हमारे में देखने को आपको यह मिला है कि प्रभास सर द्वारा ऐसा ऐसा कहा गया, ये केवल ऐसा पेपर में, न्यूज़पेपर में ही आपको देखने को मिला है। कहीं पर भी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, ना ही कोई अभी तक कोई ऐसा आदेश सचिवों द्वारा जारी किया गया है, ना सरकार के लिए, ना सरकार के द्वारा सचिव के लिए इस तरह कोई अभी आदेश नहीं जारी हुआ है कि वाकई में ये 40-45 पर भर्ती नहीं पूरी करेंगे, आगे डबल बेंच में जाएंगे, अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। अभी आज 4-5 दिन हो गए लेकिन सरकार का भी कुछ स्टैंड ही नहीं क्लियर हो रहा है, इससे नुकसान केवल अभ्यर्थियों का होता चला जा रहा है। तो जब तक सरकार अपना स्टैंड नहीं क्लियर करेगी कि वो डबल बेंच जाएगी या इस पर भर्ती को पूरा करेगी, अभी इस पे कोई निर्णय फिलहाल नहीं हुआ है, इसीलिए स्टैंड क्लियर नहीं हो रहा है। जैसे ही इस पे ये चीज वो क्लियर हो जाएगा उनका खुद का, वो तुरंत आपको एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर देखने को मिलेगा, जरूर देखने को मिलेगा, किसी ना किसी के द्वारा आदेश आपको देखने को जरूर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही सरकार डबल बेंच में जाएगी, जैसे आप सोचेंगे नहीं सरकार डबल बेंच चली जाएगी और हम नहीं जान पाएंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। जैसे ही सरकार डबल बेंच में इस रिट के खिलाफ जाएगी, तुरंत जो विपक्षी पार्टी थी शिक्षा मित्रों की, रिजवान अंसारी की, उनके पास तुरंत एक नोटिस प्राप्त हो जाएगा कि इसके खिलाफ यह सरकार गई हुई है, तो उनको भी उसके पक्ष रखना होगा, इसलिए नोटिस प्राप्त होगा। तो जैसे ही नोटिस प्राप्त होगा तो आपको पता है कि रिजवान अंसारी और विभिन्न प्रकार के लोग जो हैं उनसे जुड़े हुए हैं, उनकी पोस्ट लगातार आया करती है, तो वो आप सभी को अपने आप ही सब चीज़ें पता चल जाएंगी। फिलहाल अभी तक सरकार ने कोई भी डबल बेंच में जो इसके खिलाफ रिट है वो दाखिल नहीं की है, जैसे ही इसकी कोई अपडेट मिलेगी आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाएगी। अभी सरकार शायद ऐसा भी हो रहा है कि डिसीजन नहीं ले पा रही कि 60-65 पर करने के लिए उसे डबल बेंच जाना पड़ेगा, उसमें काफ़ी समय लगने वाला है, तो वह यह सोच रहे कि 40-45 पे करें, क्या करें क्या नहीं करें, इस चीज़ पे अभी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है सरकार की तरफ से। तो अभी आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, अभी मत सोचें कि अभी सब कुछ हो गया है क्लियर, थोड़ा सा इंतज़ार करें, जैसे ही जो आगे अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। जो अच्छे अभ्यर्थी हैं उनका हित अहित नहीं होगा, हित ही होगा, परेशान ना हो, सब अच्छा होने वाला है। फिलहाल आज ये 2 अप्रैल की कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ थी, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित वो आपको प्रोवाइड कराई गई। इससे संबंधित जो भी आगे और अपडेट आएगी आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाएगी। तो साथियों इसके लिए आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है, बिना वीडियो को लाइक किए हुए चैनल को बाहर, वीडियो से बाहर मत जाइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा क्योंकि इसको आपको कोई पैसा नहीं देना है। तो अगर आप चैनल पर नए आए हुए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जाती है एकदम सच सच न्यूज़ जो होती है भर्ती से संबंधित, वो चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो वीडियो है बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी साथियों को जय हिंद।